नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण या इसी को एक चर का वर्ग समीकरण भी कहते हैं, इसी अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले बहुपद वाले पाठ देखे थे, ये बहुपद वाले पाठ से ही संबंधित है, इस कारण से अध्याय 1 के बाद डायरेक्ट मैं अध्याय 3 के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए अपन पाठ में प्रवेश करते हैं। हमारे पास पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हमको केयर करना है चर। चर के बारे में आपको बता दिया था, यानी वे राशि या वे संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसका मान निश्चित नहीं रहता। जैसे ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जिसको हम माना कि मान के चलते हैं, और माना कि मानेंगे तो हर बार इनका मान अलग अलग आता है। उसके बाद आता है द्विघात। द्विघात यानी दो घात, द्वि यानी दो, घात यानी पावर, यानी इन संख्याओं की घात कितना होना चाहिए, दो। जैसे हमारे पास दोनों शब्दों को अगर मिला ले, चर का द्विघात करें, मान लीजिए एक्स, तो एक्स का द्विघात करेंगे तो एक्स की घात दो यानी एक्स स्क्वायर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग, यानी एक्स का वर्ग। क्योंकि इनका घात दो है इसलिए इनको द्विघात बोला जाता है, और एक्स का वर्ग भी बोलते हैं, इस कारण से इनको द्विघात समीकरण भी कहते हैं और वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद, यानी द्विघाती बहुपद के बारे में हम जो पढ़े थे उसी को पुनः देख लेते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित हैं। यानी वे बहुपद जिसमें एक चर हो, चर कैसा होना चाहिए, एक चर, और उस चर की घात कितना होना चाहिए, दो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी मान के चलिए कि द्विघाती बहुपद में बहुपद का घात दो होना चाहिए, अधिकतम दो। जैसे एक से मान लीजिए हमारे पास, तो एक से की अधिकतम घात दो होना चाहिए। वाई है तो वाई की अधिकतम घात दो होना चाहिए, और इसे हम व्यापक रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य से इनको प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप यही है, यानी ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, और ये वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक परिमेय संख्या और धन अपरिमेय संख्या। एक साल पेपर में आ चुका है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को खाली स्थान संख्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। इसी कारण याद आया तो इनको मैं यहीं पे बता दिया, दोनों संख्याओं के संयोजन को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ऐसे इसको 9वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी 10वीं में एक साल पेपर में ये आ चुका है। तो ए बी सी वास्तविक संख्या यानी अचर संख्या होती है, और ए का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। उदाहरण यहाँ पे हम ले के चले, हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण में क्या दिया है, दो एक्स का वर्ग धन सात। यहाँ पे देखिए कि बहुपद की अधिकतम घात दो है, यानी एक्स है चर और इसकी अधिकतम घात दो है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। दूसरा उदाहरण है वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस फाइव, यहाँ पे एक चर संख्या वाई है और इसका अधिकतम घात कितना है, दो है, इसलिए ये भी द्विघाती बहुपद है। तीसरा उदाहरण है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस टू बाई फाइव जेड प्लस थ्री, इसमें चर राशि जेड है और इसका भी घात अधिकतम दो है, इस कारण से इनको भी बहुपद कहा जाएगा। हमारे पास जो द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, उस द्विघाती बहुपद के बराबर यदि हम शून्य लिख देते हैं, जो द्विघात बहुपद है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर यदि हम शून्य लिखते हैं, तो जैसे ही शून्य लिखते हैं तो ये एक समीकरण बन जाता है, और ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें एक चर यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, और उस चर की अधिकतम घात कितना है, दो है, अधिकतम घात दो है। तो ऐसे समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर की अधिकतम घात दो हो,
तो उसे एक चर वाले द्विघात या एक चर वाले वर्ग समीकरण कहा जाता है। यानी द्विघाती बहुपद के बराबर शून्य लिखने पर वह वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बन जाता है। उसके बाद अपन नीचे वाले में आ जाते हैं। एक चर का द्विघात समीकरण की अगर हम परिभाषा देखें तो हमारे पास परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो, चर एक होना चाहिए। यहाँ पे चर के रूप में मान लीजिए क्या है, एक स है, और उस चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है, यानी ऐसे समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर की अधिकतम घात दो हो, तो ऐसे समीकरण को एक चर का द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास द्विघात समीकरण है। इस जो द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है, उनका व्यापक रूप या मानक रूप क्या है, इसी को हम बता चुके हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी और सी एक वास्तविक या अचर संख्या होगा। यहाँ पे आप एक एक चीज़ों को केयर करेंगे। हमारे पास जो व्यापक समीकरण है उसमें पहला पद है हमारे पास ए एक्स का वर्ग, ये ए एक्स का वर्ग, और इसमें देखिए ए तो है अचर संख्या के रूप में हमारे पास, एक्स जो है चर संख्या है, और इसकी अधिकतम घात दो है, इस कारण से इसे द्विघात पद बोला गया है। और वहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी ये एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर के सामने जो भी पद रहेगा वो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक यानी गुणा धन अंक यानी गुणा के रूप में, वो अंक के रूप में मौजूद रहेगा। अंक यानी चर नहीं होगा, वो अचर होगा। जैसे कोई भी समीकरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे a बराबर क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 को हम x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। उसी प्रकार से दूसरा पद है bx, bx में अगर हम देखें तो इसे एक चर है और उसकी घात अधिकतम एक है, एक से है यानी घात कुछ नहीं, यानी क्या है, एक है। इस कारण से हम इनको रैखिक पद कहते हैं, और इस रैखिक पद में b क्या है, b जो है एक अचर संख्या यानी वास्तविक संख्या है, और b जो है x का गुणांक कहलाएगा, क्योंकि x के सामने b x लिखा है, यानी x के सामने x के साथ ये गुना हुआ है, इसलिए x का गुणांक कहलाएगा। c अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, x नहीं है, और ये जो है एक प्रकार से अचर पद के रूप में या वास्तविक संख्या के रूप में इनको जाना जाता है। मान लीजिए कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अचर पद में भी हमें x को शो करना है, तो c x की घात 0 लिखा जा सकता है, और किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे c है और इसके जगह 1 हो गया, गुणा करने पर पुनः c आया, इस कारण से इस प्रकार से लिखने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखते हैं आगे द्विघात समीकरण का हल, यानी हम द्विघात समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना मान आता है, उसी को हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास उसका दो हल प्राप्त होता है, या उसका दो मूल प्राप्त होता है, या उसका दो मान प्राप्त होता है, जिसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। एक मान अल्फा है, दूसरा मान बीटा है। जैसे शून्य ज्ञात करते थे द्विघाती बहुपद का अल्फा और बीटा, वैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का यदि हम हल प्राप्त करेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा के रूप में उनका दो मान प्राप्त होगा। कभी कभार पेपर में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के खाली स्थान हल होते हैं तो दो हल होते हैं, द्विघात समीकरण का खाली स्थान मान होते हैं तो दो मान होते हैं, द्विघात समीकरण का खाली स्थान मूल होते हैं अगर बोला जाए तो भी आप बोलोगे कि दो मूल होते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हल करने की हमारे पास मुख्यतः तीन विधियाँ पे आपके बुक में दिया गया है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि, जिसे सूत्र विधि के नाम से भी हम जानते हैं। इन तीन विधियों के माध्यम से द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करते हैं तो उनका हमारे पास हमेशा दो मान प्राप्त होता है। यहाँ पे देखते हैं द्विघात जो वर्ग समीकरण है, यानी द्विघात जो समीकरण है जिसका व्यापक मान हमारे पास व्यापक रूप है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य है हमारे पास,
इसमें यदि हम सूत्र विधि से इनको हल करेंगे, सूत्र विधि का हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यानी एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर में बी का वर्ग ऋण चार ए सी बटे दो ए है। यानी ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इनको हल करेंगे तो अल्फा और बीटा के रूप में हमारे पास दो मान प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पे एक्स के दो मान यानी अल्फा और बीटा हो गया। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो अल्फा का मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो बीटा का मान आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए अल्फा बराबर लेते हैं तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है, प्लस लेने पर अल्फा का मान आएगा ये, और माइनस लेने पर बीटा का मान आएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, या इसी को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए। ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फा के लिए, और बीटा के लिए जब लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मान प्राप्त होगा, और जो दो मान प्राप्त होगा उसके बाद यहाँ पे हम डी शब्द यूज़ कर रहे हैं, और इसी डी को विभेदक या विविक्त कर कहा जाता है। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनता है, विभेदक ज्ञात कीजिए या विभेदक यानी डी की डी के आधार पे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास है विविक्त कर, या जिसी को विभेदक कहते हैं, जिसे डी द्वारा शो किया जाता है, और डी का मान हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूल के हमारे पास यानी डी का मान तीन प्रकार से आ सकता है, या तो शून्य, या तो धनात्मक, या तो ऋणात्मक। शून्य यानी शून्य हो जाएगा, यानी डी का मान जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। धन यानी डी का मान शून्य से बड़ा हो जाएगा। ऋण यानी डी का मान जो है शून्य से छोटा हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन के आधार पे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो व्यापक समीकरण है हमारे पास, ये व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास कोई समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण को लेकर हम डी का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ही डी का मान ज्ञात करेंगे, यदि इस कंडीशन में, पहला कंडीशन में देखें, यदि डी का मान हमारे पास क्या आता है, शून्य आता है, तो मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। अब उदाहरण लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण लेके चलते हैं, ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसकी तुलना हम इस व्यापक समीकरण से करेंगे। जैसे हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान आएगा। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a की जगह यहाँ पे चार है, यानी a इज इक्वल टू फोर यानी चार आ गया। फिर तुलना करते हैं, यहाँ पे प्लस बी एक्स है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b की जगह क्या है, ऋण चार है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, c का मान देखेंगे, तो यहाँ पे c बराबर स्पष्ट पता चल रहा है कि एक है। इस मान को हम, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में रखेंगे, यानी क्या बी स्क्वायर यानी डी का मान ज्ञात करेंगे तो बी का वर्ग, बी यानी क्या है ऋण चार का वर्ग, उसके बाद ऋण चार ए यानी क्या है हमारे पास चार, और सी यानी क्या है एक। तो ये हो जाएगा चार चौंक सोलह, ये ऋण चिन्ह है, चार चौंक सोलह, सोलह में सोलह कट जाएगा और हमारे पास डी का मान क्या आया, शून्य आया। और डी का मान शून्य आने, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दो मूल आएंगे, उन दोनों मूल जो है एक प्रकार से वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल बराबर बराबर होंगे। ठीक है, जैसे इसी में एक और उदाहरण लेके चलता हूँ आसानी से आपको समझाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक एक्स माइनस थ्री स्क्वायर हो गया, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन होता है। इसमें भी यदि हम मान रखें, ये हो जाएगा मान लीजिए b का वर्ग यानी छः छः छत्तीस, फोर यानी फोर, a यानी एक, और c यानी नाइन, नौ चौंक छत्तीस, इसको भी हल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, शून्य आता है। अब यहाँ पे मूल वास्तविक और समान कैसे होंगे, क्योंकि स्क्वायर है यानी हम इसको दो बार लिख सकते हैं, ये दो बार लिख दिए। दोनों के बराबर अगर हम शून्य करेंगे, एक से बराबर
पहला एक से बराबर भी तीन और दूसरा एक से बराबर भी तीन आया, यानी स्पष्ट पता चल रहा है कि मूल जो है क्या है, वास्तविक है, अचर संख्या है, साथ ही साथ दोनों का मान तीन ही तीन आ रहा है, दोनों का हल सेम आ रहा है, यानी मूल क्या हो रहा है, समान हो रहा है। ये उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे। फिर अपन आगे देखते हैं, दूसरा है मूलों की प्रकृति के अंतर्गत। दूसरा क्या बोलता है कि यदि हमारे पास ये व्यापक समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, यदि d का मान हमारे पास ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ा आता है, शून्य से बड़ा आता है, तो उस कंडीशन में मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। एक सिंपल सा उदाहरण के थ्रू आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है हमारे पास, फोर है, इज इक्वल टू जीरो लें, तो यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे, एक पद कौन सा वाला पद नहीं, बीच वाले पद का मान नहीं है यहाँ पे, ये वाले, तो इसके जगह में हम मान के चलेंगे क्या, जीरो मान के चलेंगे। तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या है, एक है, b बराबर नहीं है यानी शून्य है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर b का मान लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो और एक्स की पावर जीरो लिखेंगे और उसका मान क्या आएगा, एक आएगा, तो यहाँ पे ये जीरो बहुपद के रूप में कहलाएगा। उसके बाद मान लीजिए चार है बराबर जीरो, तो b बराबर यहाँ पे जीरो आ गया और c इज इक्वल टू माइनस हमारे पास फोर है। d की मान में अगर हम रखें बी स्क्वायर यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फोर ए सी, बी यानी जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर, ठीक है, फोर a यानी एक और c यानी ऋण चार, तो ऋण और ऋण दोनों धन हो गया और चार चौं सोलह, तो हमारे पास d का मान कितना आया, धन सोलह। d का मान जैसे ही हमारे पास क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और जैसे d का मान धनात्मक आया यानी शून्य से बड़ा आया, अगर शून्य से बड़ा आया तो मान के चलिए हमारे पास मूल जो है वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। कैसे वास्तविक असमान होंगे, ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चार ए सी वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर टू इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। इस आधार पे यदि हम लिखें तो एक्स ए की जगह एक्स है और बी की जगह दो है, इसलिए ऋण दो एक बार धन दो में रहेगा और एक बार ऋण दो में रहेगा। दोनों के बराबर अलग अलग शून्य करेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर शून्य करोगे तो ये धन है तो उधर जाके एक सा का मान हमारे पास ऋण दो आएगा, और यहाँ पे ऋण है तो उधर जाके ऋण जो है धन बन जाएगा, तो यहाँ पे धन दो में आएंगे। अब आप केयर कीजिए, एक सा का मान हमारे पास दो आया, एक ऋण दो के रूप में आया और एक धन दो के रूप में आया, तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि मूल वास्तविक यानी अचर संख्या है और असमान यानी दोनों का मान अलग अलग है, एक बार ऋण दो में आ रहा है और दूसरा बार धन दो में आ रहा है, यानी मूल वास्तविक और क्या हुआ हमारे पास, असमान हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रकृति में, यदि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, इसमें डी का मान यदि चाहता है शून्य से छोटा, शून्य से छोटा यानी ऋणात्मक, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। असमान यानी अलग अलग होंगे, साथ ही साथ काल्पनिक होंगे। काल्पनिक संख्या के अंतर्गत जनरली रूट में आ जाते हैं हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे तुलना करने के बाद a बराबर आएगा दो, b बराबर आएगा, ये b है तो यहाँ पे क्या है फाइव, और c बराबर क्या आएगा फाइव। यहाँ पे यदि हम मान रखते हैं तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी यानी क्या है पाँच, तो हमारे पास पाँच पंचे पच्चीस हो जाएगा, फोर ए यानी कितना है दो, और सी यानी कितना है पाँच, पाँच दूनी दस और ये चालीस, ये वाला पच्चीस आया, ये वाला चालीस आया, चालीस में पच्चीस घटाने पर हमारे पास आएगा कितना, पंद्रह, चूँकि चालीस बड़ा है और इसमें ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण पंद्रह, यानी डी का मान हमारे पास क्या आया, ऋण पंद्रह आया, ऋण पंद्रह यानी क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात शून्य से छोटा है, शून्य से अगर छोटा है तो इसका मूल क्या होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। काल्पनिक और कैसे होंगे, असमान होंगे, इसको हल करने पर आपको पता चल जाएगा।
चलिए इतना ही काफ़ी है, और डिटेल में जब हल करेंगे उस समय आपको और बताया जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास दिया है मूलों का योगफल। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, जैसे शून्यकों का योगफल था वैसे हमारे पास सेम फार्मूला है मूलों का योगफल, यानी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल या वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल। दो मूल हुआ अल्फा प्लस बीटा योगफल यानी प्लस चिन्ह बराबर माइनस बी अपान ए ऋण बी बटे ए। ठीक है, यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो ऋण हुआ, और बी क्या है एक्स का गुणांक, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक बी, तो सूत्र बना हमारे पास ऋण बी बटे ए। दूसरा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुणा के रूप में सी अपान ए, ये सी अपान ए, सी क्या है अचर पद है बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए हुआ। उसके बाद पेपर में ये भी पूछा जाता है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाइए। आपके पास दो तरीके से दिए जाएंगे, कभी तो मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा और आपको बोलेगा वर्ग समीकरण बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, मूलों के योगफल के जगह में यहाँ पे लिखना है और गुणनफल के जगह में लिखेंगे और समीकरण बन जाएगा। कभी कभार क्या करता है, दो मूलों का मान दिया जाता है, ए अल्फा बराबर इतना है बीटा बराबर इतना है, तो वर्ग समीकरण बनाइए, तो आप बना सकते हैं। इसमें उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, पहले सूत्र देख लो। वर्ग समीकरण बराबर एक्स का वर्ग ब्रेकेट ऋण, ऋण चिन्ह केयर करना है, ब्रेकेट में मूलों का योगफल इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर शून्य। ये मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो उस कंडीशन, अगर मूल अलग अलग दिया है हमारे पास, तो मूल अगर अलग अलग दिए होंगे तो उस दौरान हमारे पास जो फार्मूला बनाया जाएगा, जो सूत्र बनाया जाएगा, वो अलग टाइप से बनेंगे। तो यहाँ पे अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान दिया रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों मूल को जोड़ेंगे और एक्स के साथ गुना करेंगे, उसके बाद धन अल्फा इंटू बीटा दोनों मूलों को गुना करेंगे, उसके बाद मार रखेंगे तो समीकरण बनेगा। चलो इनको समझा ही देता हूँ मैं आप लोगों को, क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलों का योगफल, मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि मूल है मान लीजिए ये ऋण चार है, मूलों का गुणनफल दे दिया मान लीजिए हमारे पास कितना है ऋण बारह है, तो आपको समीकरण बनाना है। तो चलिए यहीं पे बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर रखो, मूलों का योगफल यानी ऑलरेडी ऋण है, मूलों का योगफल यानी ऋण चार और ये एक्स धन मूलों का गुणनफल यानी ऋण बारह बराबर शून्य। ये ऋण और ऋण दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों धन हो जाएगा, तो एक्स का वर्ग धन चार एक्स धन और ऋण गुना करने पर क्या आ जाएगा, धन और ऋण गुना करने पर ऋण बारह। इस प्रकार से एक्स का वर्ग धन चार एक्स ऋण बारह बराबर शून्य, ये हमारे पास वर्ग समीकरण बनेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास मान लीजिए मूलों का मान दिया जाए, एक मूल सेवन दे दिया जाए और एक मूल आपके पास फोर यानी अल्फा बराबर चार और बीटा बराबर अल्फा बराबर सात और बीटा बराबर चार दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, मान को रखोगे यहीं पर रखते हैं डायरेक्ट, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा यानी सात धन बीटा यानी चार इंटू एक्स धन दोनों का गुना यानी अल्फा यानी सात इंटू बीटा यानी चार बराबर कितना शून्य। तो यहाँ पे देखें एक्स का वर्ग तो सात और चार ग्यारह यानी ऋण ग्यारह एक्स और सात चौक अट्ठाईस धन अट्ठाईस बराबर शून्य, तो ये हमारे पास वर्ग समीकरण आए। छोटा छोटा इस कारण से मैं यहीं पे समझा दिया, और डिटेल जब अपन पाठ में जाएंगे तो और आपको समझाया जाएगा, अभी तो अपन बेसिक ही बता रहे हैं। इस प्रकार से जितना भी फार्मूला है, जितना भी बेस है और जितने भी सूत्र हैं, उन सारे चीज़ों को मैं आपको बता दिया। विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यदि आप दबाएँगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, सब्सक्राइब करेंगे जो भी वीडियो है आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।